नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में मेष से लेकर के सिंह तक के जो राशियां हैं, लग्न हैं, उनके क्या फल होते हैं, इसके विषय में आपको बताया। किन किन नामों प्रथम अक्षर किन किन नामों होने से कौन कौन सी राशि बनती है, ये भी मैंने बताया था। उसी क्रम में आज को जो कन्या राशि के किन लोगों की कन्या राशि बनेगी, उनके क्या फल होंगे, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनका भला हो, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर। तो साथियों, जिनके नाम के प्रथम अक्षर जो है टो टो पा पी पू, ये जो स होता है जैसे लखनऊ वाला स, अर ठ पे ओ के नाम से प्रारंभ होता है, ऐसे लोगों की राशि कन्या होती है। तो इनके जो मालिक होते हैं मतलब राशि, वो बुध होते हैं। तो साथियों, बुध स्वभाव से ही सुकुमार है और सुंदर बढ़िया रूप का है, मतलब वो एक बड़े लालन पालन में उनकी अवस्था, एक जो कुमार अवस्था होती है, इस अवस्था के बुध हैं और बड़े ही सुंदर और एक क्या कहते हैं कि बड़े मुलायम शरीर, मुलायम उनका रूप है, मतलब जो है बहुत ही कोमल शरीर है, कोमल रूप है, ऐसा बुध का रूप है। तो इन लोगों जिनका ये नाम मैंने बताया, इनके अंदर भी वही गुण हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर कोमलता हो सकती है और उनका मन बड़ा ही पवित्र स्वच्छ रहेगा। सुंदर आकर्षक आँखें होंगी, लंबी नाक होगी, वाणी अर्थात बोल चाल की भाषा बड़ी महीन होगी, मतलब बड़े ही प्यार से आदर से लोगों से बात करेंगे और शांत चित्त होगा, एकांत प्रिय होंगे, लज्जाशील होंगे, कठिन परिस्थितियों में स्वयं को ढालने की क्षमता होगी और कठिन परिस्थितियों में कैसे उन परिस्थिति से बचा जाए, कैसे उसे निकला जाए, इनके अंदर ये भी एक योग्यता होगी। एक ही समय में, चूँकि वह हमारे जो कन्या राशि है, ये कन्या राशि द्विस्वभाव राशि आती है। साथियों, राशियाँ तीन प्रकार की होती हैं, चल राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। इन विषय में फिर कभी चर्चा करूँगा कि इन राशियों का क्या मतलब होता है। तो कन्या राशि जो होती है द्विस्वभाव राशि में आती है, तो द्विस्वभाव राशि में चल और स्थिर दोनों गुण मिले होते हैं, तो इसकी वजह से कन्या राशि जो जातक होंगे उनके अंदर एक गुण होता है कि वो एक ही साथ में कई काम करना पसंद करते हैं। मतलब जैसे कि आप खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, जिससे दो काम एक तरह से हो गए, इसी तरह से कई काम को एक साथ कई काम करना पसंद करते हैं और किसी एक कार्य में स्थिर नहीं रह पाते, उनका चित्त जो है जो चलायमान रहता है। यदि जन्म कुंडली में बुध और शुक्र, चूंकि बुध जो होता है वो गणित का प्रतिनिधित्व करता है, तो बुध और शुक्र जो है अगर शुभ स्थिति में है, अच्छे भाव में हैं, तो जो उनके जो जातक हैं जिनको मैंने आपको बताया, जिनके जिनके अक्षर से कन्या राशि बन रही है, उनको अकाउंटेंसी में गणित में विशेष सफलता प्राप्त होती है, उसमें उनकी रुचि रहती है और उसमें उनका विशेष रुझान हो सकता है। लेखा कार्य, अकाउंट, अध्यापक और वस्तुओं की खरीद बिक्री में विशेष रुझान रह सकता है और इन्हीं कार्यों में उनको सफलता भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई में लगनशील होते हैं और उनके लिए शुभ नग जो है वो पन्ना होता है, तो पन्ना 6.25 रत्ती का आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार में खरीदना चाहिए और शुक्ल पक्ष बुधवार में शुक्ल बुध की होरा में ही उसको धारण करना चाहिए जो है, तो अभिमंत्रित करके धारण करेंगे तो बुध के अधिक आप बुध आपके अच्छे मतलब की भाव बैठे हैं अच्छी है, तो आपको और भी विशेष उन्नति करेंगे और कोई अशुभ प्रभाव होगा तो उसको भी दूर करने में सहायता प्राप्त होंगे। और साथियों, जो पन्ना पहना जाता है, ये जो छोटी अंगुली हमारी अंगुली होती है, लास्ट फिंगर होती है, इसको कनिष्का कहते हैं, इसमें बुध का नग पहना जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष के बुधवार को बुध की होरा में अभिमंत्रित करके 6.25 रत्ती का नग पन्ना सोने के अंगूठी में
जड़वा करके उसको पहनने से आपको बुद्ध से संबंधित वस्तुओं में चीज़ों में लाभ पहुँचेगा। जैसे मैंने बताया अकाउंटेंसी है, गणित, अध्यापन है, वस्तु खरीदने के, इन चीज़ों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आपके लिए जो उत्तम जो वर्ष क्या हो सकते हैं कि 25, 32, 35, 36 और 42वें वर्ष आपके जीवन में विशेष उन्नतिकारक रहेंगे। ये विशेष मतलब ये वर्षों का में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आशा है कि आपको हमारा ये बताया हुआ पॉइंट अच्छा लगा होगा। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।